गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग पिछले लेक्चर में ये देखा किसी भी विद्युत द्वित्व के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें विद्युत द्वित्व के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत द्वित्व के मध्य बिंदु पर अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में हमने कहा था कि मध्य बिंदु अक्षीय निरक्षीय के अलावा चौथी भी स्थिति होती है और उसी को आज पढ़ना है ना। तो जो आज तक आपने पढ़ा है वो उसके थोड़ा सा देखिएगा, ये मध्य बिंदु पर पढ़े हैं, मध्य बिंदु पर कहां विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु पर एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, और आज पढ़ना है कोई बिंदु, और ये कोई बिंदु का मतलब है किसी बिंदु पर, यानी ये छोड़ के, ठीक है ना। तो जो इसमें आपको पढ़ाया गया था वो आया था 1/4πε0 E बराबर 1/4πε0 पी अपान ए क्यूब आया था, E इक्वल टू 1/4πε0 2πr³ आया था, और E इक्वल टू 1/4πε0 πr³ आया था। ये मध्य बिंदु पर हमने प्रूव किया है अक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति में। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, यहाँ टू है यहाँ टू नहीं है, है ना। ये देखा जा रहा है कि ये वाला जो मान है इस मान का दो गुना है, समझो, ये वाला मान इस मान का दो गुना है। इसका मतलब हुआ ई अक्षीय बराबर 2 × ई निरक्षीय। यहाँ तक पूरा हमने बताया, ये आप समझ गए अब तक। आज जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए ये दोनों फार्मूले आने चाहिए, आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसके लिए दोनों आप लोगों से आना चाहिए कि अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता होती है, निरक्षीय के लिए पी क्या है, द्विध्रुवाकोण आर क्या है, मूल, ठीक है ना। तो अक्षीय स्थिति की तीव्रता जो है निरक्षीय का कितना होता है, 2 गुना। लेकिन कब होता है ये, जब दूरी क्या हो, समान हो, आर दोनों समान है और विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, बहुत छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए ही ये लागू होता है, ठीक है ना। तो आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए इन सब की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हमने एक बार ओवरव्यू दे दिया आज का टॉपिक मेन। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंपटीशन में ही बनते हैं, इससे जो जो फार्मूला लास्ट में आएगा उससे क्वेश्चन बनते हैं नीट जेई के लिए भी, ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे जो फार्मूला मिलेगा उस फार्मूला से, ये नहीं कि फार्मूला डिराइव करने के लिए, डिराइव करने के लिए स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, और जो फार्मूला से मेन का क्वेश्चन वो कंपटीशन। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु का मतलब हमने बताया है ना, तो बंद बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति ना तो निरक्षीय, ठीक है ना। किसी बिंदु का अर्थ है तीन को छोड़कर, किसी बिंदु का मतलब है तीन को छोड़कर, कौन तीन, मध्य बिंदु अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, अक्षी मतलब अंदर थी और निरक्षी मीन्स अनुप्रस्थ, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप मध्य बिंदु पर प्वाइंट नहीं लेंगे, अक्षी में नहीं लेंगे, निरक्षी में नहीं लेंगे, इनके अलावा कहीं लेंगे, तो कैसा होगा देखना। ये रहा एक विद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, ए बी एक विद्युत
द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिल करके बना है, इनके बीच की दूरी जो होती है वो 2a होती है। क्या होती है? 2a होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2a होती है, ठीक है ना। और इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया O। इनके बीच की दूरी क्या होती है? यानी AB का जो मान होता है वो कितना होता है? 2a होता है, ठीक है ना। अब इसके मध्य बिंदु O से हम R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं C। क्या ले लेते हैं? और इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। और ये जो बिंदु है वो मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? आर। और द्विध्रुव अक्ष से कितने कोण पर है? थीटा। ए भी क्या है? एक बिंदु द्विध्रुव है, माइनस टू प्लस टू आवेशों से मिलकर उनके बीच की दूरी क्या है? 2a है। हमने 2a यहाँ इसलिए दिखाया कि बहुत भीड़ हो जाएगी अभी चित्र में, और इसलिए ए भी बराबर 2a अलग से लिख दिया, ठीक है ना। और मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? C। और उस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बिंदु लिया गया है वो R दूरी पर है और द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर है, मतलब इसका ध्रुवी निर्देशांक R थीटा होगा। ध्रुवी निर्देशांक R थीटा का अर्थ है कि दूरी मध्य बिंदु से R है और द्विध्रुव अक्ष से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P। जो विद्युत द्विध्रुव AB है उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P। और उसकी दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस। फिर से सुनना, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस टू प्लस टू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। द्विध्रुव आघूर्ण P है, बता रहे द्विध्रुव आघूर्ण P है। जरा कह देना ये क्या लिखा है, बाद में कोई सोचे। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने लिया है C। अब वहां पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण P जो है सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण P क्या है? सदिश राशि। तो इस सदिश के दो घटक होंगे, सदिश P के दो घटक, एक घटक होगा P cos थीटा, एक घटक होगा P cos थीटा उसी तरफ, किधर? उसी तरफ। और एक घटक उसी के लंबवत होगा P sin थीटा। ये बात को समझो, P cos थीटा क्या है? P का एक घटक है। P sin थीटा क्या है? P का एक घटक है। अब कहें घटक क्या होता है सर? ग्रामीण में सदिशों का वियोजन पढ़ाया जाता था, ठीक है। और दो घटकों में एक कास होता है, एक साइन। फिर आप कहेंगे सर कास किसको लिखते हैं? ग्रामीण सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर भी हम बताए दे रहे हैं कि जिसके साथ कोण बना होता है उसको कास लिखा जाता है। ये द्विध्रुव आघूर्ण ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन इससे कोण बनाया है, तो ये वाला जिससे कोण बना होता है उसको कास में लिखते हैं। तो ये रहा पी कास थीटा, ये रहा पी साइन थीटा, यानी पी कास थीटा उसी डायरेक्शन में है और पी साइन पी कास थीटा उसी डायरेक्शन में है, और पी कास थीटा कह सकते हो कि ओडी डायरेक्शन में है, किधर? ओडी, या कह दो कि उसी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर से सुनो, इतना बता देंगे ऊब जाओगे, गूगल का एक सर बस करिए। अब ए भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु C है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है, और उसका ध्रुवीय निर्देशांक R थीटा है। R का मतलब दूरी, थीटा का मतलब द्विध्रुव अक्ष से कोण। फिर क्या कहेंगे? P के दो घटक होंगे, P cos थीटा उसी दिशा में,
अब पी साइन थीटा और उसी के लंबवत दिशा में, फिर सुनना, ये जो बिंदु सी है, बिंदु सी पी कॉस थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में कहलाता है। अक्षी मतलब उसी लाइन में, अनिरक्षी का मतलब लंबवत। इसके डिटेल के लिए पीछे हमने बहुत पढ़ाया है, दो तीन दिन में, दो चैप्टर लेक्चर में। अक्षी का मतलब उसी लाइन पर, तो जो सी है वो पी कॉस थीटा की लाइने में है, यानी सी बिंदु जो है वो पी कॉस थीटा के लिए कहाँ कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में। और जो बिंदु सी है वो पी साइन थीटा के लंबवत है, तो सी जो है इसके लिए कहाँ कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति में। यही बच्चों को दिक्कत जाती है यहाँ पर। सी जो है वो पी कॉस थीटा के लाइन में, इसलिए अक्षीय स्थिति में, और पी साइन थीटा के लंबवत है इसलिए निरक्षीय स्थिति में। ये हमने सब पढ़ाया, ठीक है ना। तो अब जब ये अक्षीय स्थिति में सी है इसके लिए, तो अक्षीय स्थिति वाला सूत्र लगा देंगे। कहें कौन सा सूत्र, अरे ये सूत्र होता है E बराबर 1/4π0 2π/r³। तब पी के जगह पी का घटक लिख देंगे, मीन्स पी कॉस थीटा। अनिरक्षी वाला जब लगाएंगे तो 1/4π0 P/r³ होता है, तो किसके लिए निरक्षी है, साइन थीटा। तो यहाँ ये हो जाएगा, ये अक्षी के लिए सूत्र होता है, जिसको हम वन लिख देते हैं, निरक्षी वाले को टू, है ना। तो यानी फार्मूला जो होता है वास्तव में पी होता है अपान आर क्यूब, पर इसके लिए होगा तो यहाँ पी कॉस थीटा लिख देंगे, इसके लिए लिखेंगे तो पी साइन थीटा लिख देंगे। जबकि अक्षी का सूत्र सिर्फ इतना होता है, निरक्षी वाला इतना होता है। ये है निरक्षी का और ये है अक्षी, सब पढ़ा चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये कहां से आ गया, सर सब समझ में नहीं आ रहा है, ये सब पढ़ाए हैं पीछे, ठीक है ना। अब देखो इसके कारण जो तीव्रता ये होगी, इसकी दिशा ईवन ये रहेगी, अक्षी स्थिति में उसी लाइन में आता है, निरक्षी स्थिति में ये उसकी तीव्रता की दिशा होगी, ये रहा ई टू। अब ईवन ई टू के बीच का कोण कितना है, 90, तो इसका जब परिणामी तीव्रता लाएंगे, ये परिणामी तीव्रता ई होगी, ये है ईवन इसके कारण पी कॉस थीटा के कारण, ये है ई टू इसके कारण पी साइन थीटा के कारण। तो एक तीव्रता है ई वन, दूसरी तीव्रता है ई टू, और दोनों के बीच का कोण है 90, तो इनका परिणामी तीव्रता ये होगी सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से। दो सदिश राशि समान दिशा में होते थे, जुड़ जाता विपरीत में तो खट जाता, कोण पर है तो सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम से। समांतर चतुर्भुज नियम से लाएंगे तो इसका जो ई का मान आएगा वो ये आएगा, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। कहेंगे कैसे आएगा, सूत्र होता है ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस 90, कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 क्या होता है, तो सीधे ये हो जाएगा ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर ई बराबर, ठीक है। ये हम सब यूज करेंगे इसमें। क्या हमने बताया, एक बार तीव्रता लाएंगे पी कॉस थीटा के लिए, और एक बार तीव्रता लाएंगे पी साइन थीटा के लिए, और दोनों तीव्रता के बीच का कोण 90 अंश है, तो सदिशियों का समांतर चतुर्भुज में वाला नियम लगा देंगे, और ईवन 90 का मान 0 होगा तो ये पद 0 हो जाएगा, ये बचेगा। ईवन ई टू का मान रख देंगे, कहे कहाँ पाएंगे, ईवन का मान ये होगा, लेकिन पी के जगह क्या लिखा रहेगा, पी कॉस थीटा। ई टू का मान ये होगा, लेकिन पी के जगह क्या लिखा रहेगा, पी साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, चलिए कैसे लिखना होगा उस पर। मान
मान लिया ए बी एक है, विद्युत है, द्विध्रुव है, जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है, उनके बीच की दूरी 2a। ये सब लिखना नहीं है आप लोगों को परीक्षा में। मान लीजिए विद्युत विभेद माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना, उनके बीच की दूरी 2a है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P, द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु C है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, उसका ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा, इसका सी का, इसका ध्रुवीय आर थीटा, आर थीटा का मतलब आर दूरी है, थीटा उसका कोण है, ठीक है। अब ध्रुवीय आघूर्ण पी के दो घटक होंगे, नंबर एक cos थीटा ओसी दिशा में, और दूसरा sin थीटा ओडी अर्थात ओसी के लंबवत, ठीक है। पी कॉस थीटा किधर है, ओसी दिशा में है, और पी साइन थीटा क्या है, ओडी में है, या कि ओसी के लंबवत। फिर हमने क्या बोला, सी जो है इसके लिए कहाँ है अक्षीय स्थिति में, और इसके लिए कहाँ है निरक्षीय स्थिति में, अब बिंदु सी घटक पी कॉस थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, तो तीव्रता इवन बराबर, बिंदु सी घटक पी कॉस थीटा के सापेक्ष कहाँ है, अक्षीय स्थिति में, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, बिंदु सी घटक पी कॉस थीटा के अक्षीय स्थिति में है, तो तीव्रता इवन बराबर, ये सूत्र लगा दो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यू, लेकिन यहाँ पी वर्ग लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी कॉस टी कॉस थीटा, समीकरण नंबर एक, इसी प्रकार घटक पी साइन थीटा के सापेक्ष बिंदु सी निरक्षीय स्थिति में कहाँ है, निरक्षीय स्थिति, तो तीव्रता E2 बराबर
ये फार्मूला लगा दो साइन थीटा लिख रहे क्या हुआ, ये इसके लिए अच्छी स्थिति में है तो अच्छी स्थिति वाला फार्मूला लगा दिए कॉस थीटा लिख दिए, और इसके लिए ये बिंदु निरक्षी स्थिति में है तो निरक्षी वाला फार्मूला लगा दिए साइन थीटा लिख दिए। अब ये दोनों तीव्रता क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत है तो ये वाला नियम लगाना पड़ेगा। हो गया इतना, आप आगे E1 और E2 एक ही बिंदु C पर परस्पर कैसे हैं, कैसे लंबवत E1 और E2 एक ही बिंदु C पर परस्पर लंबवत हैं, तो परिणामी तीव्रता बराबर ये सदिशियों का समांतर चतुर्भुज नियम होता है, ग्यारहवें में सब कुछ है। 90 कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये रहा E1 का मान रख दो कितना 1/4π0 cos थीटा अपॉन r क्यूब्ड का स्क्वायर 1/4π0 पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब्ड का स्क्वायर, ठीक है। ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम से सूत्र बना है, इवन ये 90 का मान जीरो हो गया है ना, लीजिए लिखे दे रहे हैं कॉस 90=0। अब E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, E1 का मान रख दिया E2 का मान रख दिया, आप आगे समझो सुनो समझना अच्छे से, 1/4π0 इसमें भी है, इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें भी है, आर क्यूब इसमें भी है, आर क्यूब इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, ये सब कॉमन। अब कॉमन लेकर के अंडर रूट से बाहर तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बोला हमने 1/4π0 पी अपॉन आर क्यूब्ड का होल स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन लेकर के अंडर रूट से बाहर कर देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा पी अपॉन 4π0 आर क्यूब्ड बाहर, बचा क्या यहां बचा 2cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने P/4π0 आर क्यूब्ड बाहर किया, रूट से भी बाहर किया स्क्वायर है तो है ना, यहाँ पर ये बोर्ड टूटा हुआ है, इसको मैं समझिए क्या है। अब तो 1/4π0 P/r³ इसको क्या लिख देंगे 4cos² θ प्लस sin² θ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4cos² θ है, 4cos² θ जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं, चेंज यानी खुला कैसे देखना, 4cos² है तो 3cos² प्लस 1cos² 4cos² है तो 3 एक साथ लिख दे, 1 अकेले कैसे बोल रहे देखना, P/r³ इसको बोल लिख दे 3cos² θ प्लस cos² θ प्लस sin² θ, इस 4cos² θ के बदले में इन दोनों को लिख दिया, और ये दोनों मिलकर 10वीं क्लास में पढ़े हो cos² θ प्लस sin² θ बराबर 1/4π0 P/r³ ये 3cos² θ, ये दोनों मिलकर 1 हो गया है, ये दोनों मिलकर
एक हो गया है। ये है परिणाम तीव्रता का स्रोत। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों से हमने ये कहा था कि इससे क्वेश्चन नीट जेई में पूछ दिया जाता है, वो ये कह दिया जाए कि द्विध्रुव से 30 अंश के कोण पर, द्विध्रुव से 30 अंश के कोण पर कोई बिंदु लिया जाए तो तीव्रता का मान कितना होगा, तो थीटा का मान क्या लिख दोगे 30। कहा जाए 45 अंश के कोण पर कितना होगा, तो यहाँ थीटा का मान लिख दोगे 45, हल कर दोगे, है ना। और यदि मान लीजिए कहा जाए 0 अंश लेंगे, उसको समझो ये थीटा को 0 कर देंगे तो ये बिंदु सी यहाँ आ जाएगा। देखो और कर थीटा 0 तो बिंदु सी यहाँ, और यहाँ आ जाने का मतलब अच्छी स्थिति में। और जैसे ही बिंदु सी को यहाँ करोगे अर्थात थीटा को 0 करोगे तो ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस थीटा को बढ़ाओ 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 90 कर दो, तो थीटा का मान 90 कर दोगे तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और यहाँ बोले तो निरक्षी स्थिति, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो हम दो स्थिति बताएंगे आप लोगों को, 0 और 90 वाला, कि 0 में अक्षी 90 में निरक्षी। लेकिन आप लोग कंपटीशन में 45 अंश का पूछ लेगा, थीटा का मान 45 रख देना, 30 कहेगा तो 30 रख देना, 60 कहेगा तो 60 रख देना, जो कहेगा उसके हिसाब से लगा सकोगे। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दो सौ बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम के आधार पर, मतलब थीटा का मान है 0 में 1 आएगा और 90 में 0, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 रख करके कुछ परिस्थिति लगा देते हैं, तो सबको हम नहीं दिखाएंगे, आप लोग अपनी स्थिति 45 30 60 90 रख के देखते रहना, है ना। दो स्थिति बता रहे हैं, केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 है तो अर्थात थीटा बराबर 0 अर्थात बिंदु सी अक्षीय स्थिति में हो, तो समीकरण 3 से E बराबर 1/4π0 1/4π3 cos² 0 + 1 1/4π0 p/r³। ये 3 + 1 cos 0 1 3 1, ये 3 × 4 = 4 का वर्गमूल 2, ये अच्छी स्थिति तीव्रता हो जाएगी। यहां भी न्यूटन पर होगा, ये कहां की तीव्रता हो गई अच्छी, ठीक है ना। दूसरा नंबर लगाते हैं, ये थीटा बराबर 90 अंश, क्या हो जाएगा E बराबर 1/4π0 p/r³ 3 cos² 90 + 1, ये 0 हो जाएगा, ये पद 0, अच्छी स्थिति में कह रहा है। अब 45 लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे, रख करके हल करके देख सकते हो, है ना। तो वैसे या में तो यही ज्यादातर पूछे जाते हैं कंपटीशन वालों में, 30 60 90 का भी 45 का भी, तो आप रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये फार्मूला के लिए हमने बताया अच्छी निरक्षी, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है, इनका डेरिवेशन यदि आपको देखना है तो पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर जो भी दिक्कत होगी
तो पीछे तो आप समझ ही लेंगे, हेल्प के लिए बता ही दिया कि एक्सेल इक्वेटोरियल का पीछे पढ़ा जा चुका है। थैंक यू, जय हिंद।